चमोली से राजकीय शिक्षक शाखा नारायण बगड़ का अधिवेशन संपन्न। नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। राजकीय शिक्षक संघ शाखा नारायण बगड़ के अधिवेशन के दौरान हुए नए पदाधिकारियों के चुनाव में मोहन प्रसाद गौड़ ने अपने निकटवर्ती प्रतिद्वंदी को 57 मतों से परास्त कर अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की, जबकि अन्य सभी पद निर्विरोध चुने गए। रायका नारायण बगड़ के सभागार में राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप भंडारी की अध्यक्षता में राजकीय शिक्षक संघ शाखा नारायण बगड़ का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन के प्रथम सत्र में शैक्षिक उन्नयन पर गोष्ठी की गई, जिसमें शैक्षिक यूनियन प्रवक्ताओं ने अपने विचार रखे और शिक्षा छात्र छात्राओं और शिक्षकों की बेहतरी पर जोर दिया। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि सरकार को शिक्षा पद्धति को पुराने स्वरूप में यथावत रखना चाहिए, ताकि शैक्षिक वातावरण को पुनः स्थापित किया जा सके और समाज में शिक्षकों के प्रति सम्मान जागृत हो सके। स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में पैदा हुई विसंगतियों पर भी रोष व्यक्त किया गया। शिक्षकों के पदोन्नति की जारी नीति की वक्ताओं ने निंदा की। अधिवेशन के दूसरे सत्र में मुख्य चुनाव अधिकारी समरपाल चौधरी, सहायक चुनाव अधिकारी बीएर टमटा, संयोजक वीरेंद्र सिंह नेगी के निर्देशानुसार हुए संगठन के चुनाव में भरत नेगी को मंत्री पद, महिला वर्ग से उपाध्यक्ष बीना गोसाई, पुरुष वर्ग से प्रकाश रावत, संयुक्त मंत्री प्रदीप नेगी, महिला वर्ग से संयुक्त मंत्री अपर्णा सती एवं आय व्यय निरीक्षण के पद पर हरीश सती को निर्विरोध चुना गया, जबकि अध्यक्ष पद पर दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में मोहन प्रसाद गौड़ ने अपनी प्रतिद्वंदी राकेश रौधियाल को 57 मतों से हरा कर जीत हासिल की। कार्यक्रम का संचालन हरीश सिंहलोडी ने किया। ऑफिस नारायणगढ़ में राजकीय शिक्षा संघ नारायणगढ़ की इकाई का ब्लॉक अधिवेशन था और इसमें नारायणगढ़ विकासखंड के सभी विद्यालयों के राजकीय शिक्षा संघ के सम्मानित सदस्यों के द्वारा प्रतिभाग किया गया, क्योंकि पुरानी कार्यकारिणी का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका था और नई कार्यकारिणी का गठन होना था। यहाँ पे आज नई कार्यकारिणी का गठन था, तमाम शिक्षक साथियों ने इसमें प्रतिभाग किया और जो नवीन कार्यकारिणी बनी है, अध्यक्ष श्री मोहन गौड़ जी, मंत्री श्री भरत नेगी जी और उपाध्यक्ष श्री प्रकाश रावत जी, संयुक्त मंत्री हमारे श्री प्रदीप नेगी जी, आय व्यय निरीक्षक श्री सती जी, इन सभी को और जो महिला में हमारी उपाध्यक्ष बनी है गोसाई मैडम और संयुक्त मंत्री महिला बनी है श्याम मैडम, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और राजकीय शिक्षक जनपद चमोली की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। राजकीय शिक्षकों की वैसे तो काफ़ी समस्या है, लेकिन जो मुख्य समस्या है जैसे पदोन्नति न हो पाना, इसके लिए हम लोगों ने अभी जून माह में आंदोलन भी किया था और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम सीधी पदोन्नति करेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि पदोन्नति करेंगे। एक स्पष्ट और पारदर्शी स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण एक्ट का हमको पूर्ण विश्वास है कि आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी विसंगतियाँ पूर्व के एक्ट में थी उनका जल्द से जल्द निस्तारण हो और जो नवीन एक्ट हो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ लागू हो, जिससे दूरस्थ दूरस्थ के शिक्षक साथी को उसका लाभ मिल सके। बधाई दी और मैं आज निर्वाचित हुआ हूँ। ब्लॉक शाखा राजकीय शिक्षक संघ का यहाँ पर चुनाव था और मैं अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर निर्वाचित हुआ हूँ। मतदान हुआ है और शांतिपूर्वक मतदान रहा। यहाँ पर हमारी जिला कार्यकारिणी, हमारे जिला कार्यकारिणी के कर्मठ अध्यक्ष हमारे प्रदीप भंडारी जी और हमारे जो मंत्री हैं श्री कंडवाल जी और प्रांतीय प्रवक्ता श्री चौहान जी यहाँ पर आए थे, प्रकाश चौहान जी, और इनकी अध्यक्षता में ये यहाँ पर कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। जैसा कि आपने मुझे कहा कि आपका क्या लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य शैक्षिक उन्मूलन, यह गोष्ठी भी हुई है साथ में कि शिक्षा को कैसे उन्मूलन किया जाए, हमारी जो प्रोफेशनल जो एथिक्स हैं वो उनको कैसे बढ़ाया जाए, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्मूलन का मतलब वही होता है कि उनको बढ़ाने के लिए, उनको सुधार करने के लिए और छात्र हित के लिए। शिक्षकों की तमाम समस्याएँ होती हैं, वेतन से संबंधित होती हैं और अन्य समस्याएँ, ट्रांसफ़र पॉलिसी होती हैं, बहुत सारे विकट समस्याएं यहाँ पर होती हैं, जो कि संगठन के माध्यम से हम उन बातों को रखते हैं और जो एक निर्धारित उसके लिए एक रास्ता है जिस टेबल पर हम उसको रखते हैं और उसके आधार पर समाधान होता है। एक छोटी सी इकाई है और उसके बाद जनपद से मंडल और प्रांत तक हम समस्याओं को ले जाएंगे और अपने शिक्षक हितों के लिए और छात्र हित के लिए हम काम करेंगे। धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे निर्विरोध चुनकर इस पद पर भेजा है और मेरा दायित्व रहेगा कि मैं जो भी शिक्षकों की समस्याएँ हैं जो आज तक नहीं हो पाए तो हम एक नई जोश के साथ नई कार्यकारिणी उसके लिए पूरा जोर लगाएंगे और जो भी हमारी समस्या है जैसे ट्रांसफ़र से लेकर है उसमें कई विसंगतियाँ हैं, जो उपश्रेणियाँ हटा दी गई हैं, फिर कई तरह के जो अब नए नीति आ रहे हैं इसमें भी हम देखेंगे कि क्या है, फिर हमने तो इसका भी विरोध करेंगे और जो हमारी OPS पुरानी पेंशन लागू होने का भी हम पूरा प्रयास करेंगे और उसके हम मैं पूरी जोश और जो भी हमारी ब्लॉक स्तरीय जो भी समस्याएं होगी अपने शिक्षक साथियों की उसको निपटाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मैं सभी साथियों का
धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे और साथ ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी का जो अधिवेशन था वो संपन्न हुआ और इसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री मोहन प्रसाद गौड़ जी और ब्लॉक मंत्री श्री भरत सिंह नेगी जी जो है निर्वाचित हुए और इस प्रकार से जो सभी विकासखंड के समस्त विद्यालयों से शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस संगोष्ठी में प्रतिभाग किया और नई कार्यकारिणी के गठन में अपनी सहभागिता निभाई और इस प्रकार से नई कार्यकारिणी का गठन हुआ और मुझे उम्मीद है कि पूरी कार्यकारिणी जो है शिक्षक हितों में निरंतर प्रयासरत रहेगी और शिक्षकों की जो भी समस्याएं होंगी उसको समाधान के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी। शिक्षकों के सम्मान के लिए राजकीय शिक्षक संगठन निरंतर प्रयासरत है और इसके लिए जो है विभागीय जितने भी जो है तमाम ऑफिशियल कार्य हैं या तमाम प्रकार की जो है जो BLO का काम है या जो है जनगणना वगैरह का काम है इसके लिए जो संगठन द्वारा निरंतर उसका विरोध किया जा रहा है और इसको लेकर के सरकार ने आदेश भी किए हैं कि जितने से कम हो सके शिक्षकों का जो है BLO में ड्यूटी लगाए और इनको हटा करके अन्य कार्मिकों को जो है इसमें से नियोजित किया जाए। तो ये जो है संगठन जो है निरंतर इस पर प्रयासरत है और हमारा इस पर प्रयास होगा कि हम 100% जो है शिक्षकों को BLO और अन्य ड्यूटी से कार्यमुक्त कर सकें ताकि जो है शिक्षक केवल और केवल गुणवत्तापरक शिक्षा को आगे बढ़ाने में अपना प्रयास करें। हमारा संगठन निर्णय ले गया उसमें मेरे कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं के साथ शिक्षकों की समस्याओं को लेकर उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ो चाहे स्तर पर हो चाहे प्रांत के स्तर पर अपनी समस्याओं को लेकर वहाँ तक उनके साथ चलूँगा। वर्तमान में हमारे NPS की सबसे ज्वलंत समस्या है जो शिक्षकों के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। आज जो है ये शिक्षक 60 साल तक नौकरी करता है सेवा देता है बदले में से क्या मिलता है और एक शिक्षक जो है अपने विद्यालय स्तर पर अपने तन मन से लगा रहता है और हमारी सरकार ने हमारे साथ जो छलावा किया है उसके लिए हम कंधा से कंधा मिलाकर उसके विरोध में आंदोलन करेंगे। जब भी समय आएगा जब भी हमारे कार्यकारिणी ये निर्णय लेगी तो हम उसमें जरूर विजयी होंगे। खबर भारत वर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।